नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है रावत कौन है, जानिए उत्तराखंड के इन राजपूतों की कहानी और गौरवशाली इतिहास। दोस्तों इतिहासकारों ने रावत शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार किया है, रा मतलब राजपूताना, वा मतलब वीर और तौ मतलब तलवार। इसका सीधा मतलब है बलशाली, पराक्रमी, क्षत्रिय, शूरवीर, जो तलवार के धनी हैं वो रावत राजपूत कहलाते हैं। ये रावतों को एक पदवी मिली है जो 10 हाथियों की सेना से मुकाबला करने वाले राजपूत शूरवीर योद्धा को प्रदान की जाती थी। इस पदवी का मतलब राजपुत्र प्रधान प्रतापी शूरवीर पराक्रमी योद्धा होता है। रावत की पदवी की गरिमा को किसी इस तरह से बखान किया है, 100 नरों, 1 सूरमा, 100 सूरों, 1 सामंत, 100 सामंत के बराबर है, वह एक रावत राजपूत है। इतिहासकार बताते हैं रावत शब्द राजपूत का ही अपभ्रंश है। पुरातन काल में रावत जाति न होकर चौहान, गहलोत, पारमार, सिसोदिया, पवार आदि राजघरानों में पराक्रमी शासक वर्ग की पदवी थी, जो दरबार में सम्मान और बड़प्पन का सूचक होती थी। इन राजघरानों में रावत पदवी से सम्मानित शूरवीर रावत राजपूत कहलाते थे। ये रावत ही थे जो क्षत्रियों में अपनी विशिष्ट पहचान रखते थे। कहा जाता है कि राजस्थान में रावत की पदवी अनूपवंशी बरड़ राजपूतों में सबसे पहले बिहल चौहान राजपूत सरदार को मिली थी। उनके पराक्रम पर मेवाड़ दरबार में रावल जैतसी द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। इसके लिए उन्हें 10 गांवों का गढ़बौर यानी 4 भुजा राज्य दिया गया था। रावत राजपूत स्वाभिमान के धनी रहे हैं। रावत राजपूतों ने अपना सिर काटना स्वीकार कर लिया, पर पराधीनता कभी भी पसंद नहीं की, जिसके लिए उनका गौरवमयी इतिहास रहा है। 1832 में फ्रांस के प्राकृतिक वेत्ता मिस्टर जैकमेंट ने रावत राजपूतों के लिए लिखा था कि नो राजपूत चीफ, नो मुगल एम्पायर हैज एवन बीन एबल टू सबडू देम, मारवा ऑलवेज रिमेंड इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है न तो कोई राजपूत राजा, न ही कोई मुगल सम्राट इन्हें अपने वश में कर पाया। इन राजपूतों का राज्य हमेशा आज़ाद रहा। कहा जाता है कि उत्तराखंड में रावत राजपूत राजस्थान के राजपूताना परिवारों से ही आए थे। दोस्तों नैन सिंह रावत, जनरल बिपिन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने तेज से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। गढ़वाल में 52 गढ़ों में से कई गढ़ों पर रावत जाति का राज रहा है। मुगरागढ़ की बात करें तो रवाई स्थित ये गढ़ रावत जाति का ही था, यहाँ रौतेला रहते थे। इसके अलावा रामीगढ़ पर भी रावतों का ही राज रहा है। बिराल्टा गढ़ भी एक ऐसा गढ़ है जहाँ रावत जाति के राजाओं ने राज किया है। रावत जाति के इस गढ़ का अंतिम ठोकदार फूप सिंह रावत था, ये जौनपुर का था। इसके अलावा कांडागढ़ जो कि रावत सिंह में था, इस पर भी रावत जाति का ही अधिकार था। दोस्तों ये कुछ जानकारी हमने जुटाई, अगर ये आपको अच्छी लगी और आप भी रावत हैं, आपको भी अपनी जाति पर गर्व है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।